बैंगन आलू और टमाटर की सब्जी कुकर में बना रही हूँ, जो 5 से 7 मिनट में तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान है और ज़्यादा मसाला भी नहीं डाल रही हूँ। तो चलिए मैं सब्जी को अच्छे से काट के धो लेती हूँ पानी से। बैंगन को मैं डायरेक्ट काट के और पानी में डालूँगी, क्योंकि बैंगन में काला पानी छूटता है। इसलिए आपको जिस साइज़ में काटना है बैंगन के, बड़ा छोटा लंबा या राउंड, जिसे जैसे आपको काटना हो आप काट सकते हैं। बैंगन को अच्छा से चेक कर लेना है कि कोई कीड़ा ना हो अंदर। आलू है, मैं आलू को भी छील के रखी हूँ। अगर आपके पास नया आलू का सीजन नहीं हो, जब अगर उस टाइम में आपको आलू बैंगन बनाना है, तो आप पुराने आलू को छील सकते हैं या वैसे भी रख सकते हैं छिलका लगा हुआ। तो कुकर में मैं बनाऊंगी, इसलिए बड़े बड़े आलू का काट रही हूँ। कढ़ाई में बना सकते हैं, कुकर में बहुत जल्दी बन जाएगा। अब ये आलू और बैंगन दोनों कट गए हैं, टमाटर को बाद में काटना है। अब इसको अच्छे से 2-3 पानी से धो लेना है। टमाटर यूज कर रही हूँ इसमें, बैंगन में ज़्यादा टमाटर यूज करने से अच्छा लगता है और खट्टा खट्टा सा टेस्ट। और मैं इसका जो है टमाटर का पेस्ट बना के डाल रही हूँ। अगर आपको काट के डालना है तो काट के डालें। काट के डालने पर यह होता है कि छिलके जो है सो खाने में जमता नहीं है, और इसको अगर पीस के पेस्ट बना के डालते हैं तो छिलका और ये शीर्ष जो है टमाटर का सब पिसा जाता है इसमें। तब इसको साइड में रख लेती हूँ। ये सब्जी काट के मैं रख ली हूँ पानी में 5-7 मिनट रख के, और इसको पानी से छान लिए। अब इसका सब्जी बनाने जा रही हूँ। ये कुकर गर्म हो गया है, अब मैं इसमें तेल 2 चम्मच के बराबर डाल रही हूँ। अब तेल गर्म हो गया है तो इसमें मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई या सरसों जो भी हो आपके पास, लाल पीला वाला या ब्लैक काला जो राई होता है, जो भी डालना हो आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा जीरा है, थोड़ा सा मेथी दाना है, ज़्यादा मेथी दाना नहीं डालना है, नहीं तो कड़वा लगेगी सब्जी। मेथी दाना से बैंगन में टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। एक चुटकी हींग है और एक तेज पत्ता है। करी पत्ता है, अगर आपके पास करी पत्ता हो तो करी पत्ता डालें, बैंगन आलू में बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा करी पत्ता का। तो ये सारे जितने तड़का मैंने डाली हूँ सब ब्राउन हो गए हैं। और बैंगन बनाने टाइम में गैस फ्लेम को तेज रखना है। अब इसमें सब्जी डाल देना है। अब इसमें नमक डाल देना है थोड़ा सा, ज़्यादा नमक नहीं डालना है, नहीं तो सब्जी के हिसाब से आप नमक डालें। तो अब इस सब्जी में मसाला डालना है, मसाला पाउडर। ये धनिया 1/2 चम्मच से है, और हल्दी है थोड़ा छोटा चम्मच से थोड़ा, और मिर्ची आप अपना हिसाब से डालें, जितना जो डालना है कम ज़्यादा। तो मैं हल्दी धनिया और मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, बस यही 3 मसाला है और कुछ ज़्यादा मसाला नहीं है। कुछ सेकेंड इसको अच्छे से मिलाना है मसाला को। अब इसमें टमाटर का पेस्ट जो मैं बना के रखी हूँ वो डालूँगी। अगर आपको काट के यूज करना है टमाटर तो काट के यूज कर सकते हैं। टमाटर पेस्ट डाल के 2 मिनट इसको अच्छे से भून दी हूँ, और फिर इसमें जो है सब जो पानी थोड़ा सा है वो टमाटर का पेस्ट का जो है पानी वो डाल रही है, नहीं तो आप सादा पानी हो तो वो डालें। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि ज़्यादा पानी डालेंगे तो बहुत सारा सब्जी में बहुत पानी हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा पानी डाली हूँ।
और 3-4 सीटी लगा के गैस बंद कर देना है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। ये सब्जी तैयार हो गया है, 3-4 सीटी लग गया है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। कुकर ठंडा हो गया है, देखिए सब्जी कितने अच्छे बने हैं। अब इसमें धनिया पत्ता छिड़क देना है। आपके पास धनिया पत्ता हो तो धनिया पत्ता डालें, क्योंकि इसमें बैंगन में धनिया पत्ता का टेस्ट बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है। अब इसको अच्छे से मिला दिया है, अब सर्व कर ले इसको। अब तो ये तैयार है आलू बैंगन टमाटर की सब्जी। दोस्तों आप तो दोस्तों कैसी लगी मेरी आलू बैंगन और टमाटर की सब्जी की रेसिपी? तो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।